हेलो एवरी वन दिस प्रेम कौर पटले माई डियर स्टूडेंट्स टूडे अगेन आई एम हियर अलॉन्ग विद दी एनादर सेशन विद पॉइंट टू एंड दिस सेशन आई सेल एक्सप्लेन अबाउट द वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन आई आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द डेली लाइफ एंड ओवरकमिंग मॉडर्निटी बच्चों आज पश्चिमीकरण और परम्परा के विषय में वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे उनकी क्या सोच थी मैं आपको बतलाने का प्रयास करूँगा और हम देखेंगे कि जो रोज़मर्रा की जिंदगी थी उसको वहाँ के लोग किस तरह से व्यतीत करते थे और साथ ही साथ आधुनिकता पर जो बात है आधुनिकता पर विजय उससे संबंधित मैं आपको एक्सप्लेन आप, करूँगा बच्चों इन प्रीवियस सेशन आई है एक्सप्लेन अबाउट द मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी आई आई हैड आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इन दिस सेशन अचल एक्सप्लेन अबाउट द वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन माई डियर स्टूडेंट्स सक्सेसिव जनरेश ऑफ जापानीज इंटेलैक्चुअल्स है डिफरेंट व्यूज ऑफ जापानस रिलेशन विद अदर कंट्रीज बच्चों जो जापानी बुद्धिजीवी थे वे जापान के अन्य देशों के साथ संबंध कैसे होंगे उन पर उन सभी के विचार अलग अलग थे अगर हम उनकी पीढ़ियों की बात करें कुछ के लिए टू सम द यू एस एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वर एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन कुछ लोगों के लिए अमेरिका और जो पश्चिमी यूरोपीय देश की जो सभ्यता की थी वो ऊँचाइयों पर थी और जापान भी वहाँ पहुँचने की आकांक्षा रखता था टू विच जापान एस्पायर अ इंटेलेक्चुअल पर्सन फुकूजावा यूकिची अ लीडिंग मैजी इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस्ड दिस बाय सेंग दैट जापान मस्ट एक्सपेल एशिया डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली फुकुजावा जावा एक्सप्रेस्ड एक्सपेस्ड हिज आइडिया हिज व्यूज दैट जापान मस्ट एक्सपेल एशिया ही मीन्ट दैट जापान मस्ट सच इट्स एशियन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिकम पार्ट ऑफ वेस्ट बच्चों फुकुजावा जावा जो थी जो मेजी काल की बहुत प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थी उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए यानी जापान को अपने एशियाई जो लक्षण हैं वो छोड़ देना चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन द रिलेशन विद वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज फूकू जावा यूक्यूची ओके तो इस तरह की सोच रखने वाले मेजी इंटेलेक्चुअल जो थे फुकू जावा यूक्य बच्चों ये वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट करने के, के लिए एक हमारे सामने एग्जाम्पल है द नेक्स्ट जनरेशन वाइल वी आर वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रेडिशनल ऑफ थिंकिंग द नेक्स्ट जनरेशन क्वेश्चन दिस टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज बच्चों जो अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए एंड अर्ज और कहा दैट नेशनल प्राइड बी बिल्ट ऑन इंडिजिनियस वैल्यूज उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गर्व देशी मूल्यों पर ही निर्मित होना चाहिए ओके द फिलॉसफर द फिलॉसफर मियाँ के बच्चों ये एक दर्शन शास्त्री थे मियाके के उनके क्या विचार थे उन्हें भी हमें समझना चाहिए ही आर्ग्यूड दैट ईच नेशन मस्ट डेवलप इट्स स्पेशल टैलेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थाट बटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो विचार है मियाके के ने हमें दिया उन्होंने अपना तर्क दिया कि विश्व सभ्यता के हित में विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए वो कहते हैं कि अगर हमें वर्ल्ड की वर्ल्ड सिविलाइजेशन को अगर हमें बचाना है या उसको सुरक्षित करना है तो हर राष्ट्र का अपना एक टैलेंट होता है और उस टैलेंट को हमें क्या करना चाहिए उस टैलेंट को हमें डेवलप करना चाहिए उसका विकास करना चाहिए ताकि विश्व की सभ्यता में वो एक धरोहर के रूप में स्थापित की जा सके ठीक है और वो आगे क्या कहते हैं टू डिवोट वन सेल्फ टू वंस कंट्री इज टू डिवोट वन सेल्फ टू द वर्ल्ड वो ये कहते हैं अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना अपने को विश्व को समर्पित करना है ये जो मियाँ के सुरे थे उनके महान विचार हुआ करते थे जो उन्होंने जापान की पारंपरिक शैली को उसके उस देश की खासियत के आधार पर उसमें विकास लाते हुए एक विश्व की सभ्यता को सुरक्षित रखने हेतु अपने विचार प्रस्तुत किए थे बच्चों अगर इसकी तुलना में हम देखें तो जो बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे वो पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित थे है ना मैनी इंटेलेक्चुअल वर अट्रैक्ट टू वेस्टर्न लिबरलिज्म एंड अ जापान बेस्ड नॉट ऑन मिलिट्री बट ऑन डेमोक्रेसी बच्चों कुछ लोगों का मानना था कि जापान सेना के आधार पर मजबूत नहीं बल्कि लोकतंत्र के आधार पर मजबूत बनाया जाना चाहिए ओके okay. अब एक और जनवादी अधिकारी जो अधिकारों के आंदोलन के एक नेता थे उए की एमोरी वो क्या कहते हैं वो समझते हैं उए की एमोरी अ लीडर ऑफ पॉपुलर राइट्स मूवमेंट वाज डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बच्चों जो उए की एमोरी थे वो एक संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जो जनवादी अधिकारी अधिकारों के जो आंदोलन थे उसके नेता थे ठीक वो उसकी डिमांड करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट uh, की एंड एडमायर द फ्रेंच रिवोल्यूशंस डॉक्ट्रिन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ पॉपुलर सॉर्निटी बच्चों वो फ्रांसीसी क्रांति में जो मानव के प्राकृतिक अधिकार थे नेचुरल राइट्स यह रीड that natural राइट्स इन क्लास नाइन्थ also और बच्चों ये जो नेचुरल राइट्स की बात थी और जो जन प्रभुसत्ता के जो सिद्धांतों के उसके ये बहुत बड़े प्रशंसक होते थे ये एंड स्पोक फॉर अ लिबरल एजुकेशन और साथ ही वो उदारवादी जो लिबरल एजुकेशन है बेटा उदारवादी शिक्षा उसके पक्ष में थे उससे क्या फ़ायदा होता था उसे क्या वो क्यों उसको प्रमोट कर रहे थे या उसके पक्षधर क्यों थे वो कहते थे कि ये उदारवादी शिक्षा लिबरल एजुकेशन जो है वो हर व्यक्ति को के विकास के लिए सहायक होगी दैट वुड डेवलप ईच इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति के विकास में वो सहायक होगी फ्रीडम इज मोर प्रीसियस देन ऑर्डर वो कहते हैं कि व्यवस्था से ज़्यादा कीमत किसी चीज़ की है तो वह फ्रीडम की आज़ादी की अदर इवन एडवोकेटेड वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन बच्चों कुछ लोग कुछ लोगों ने तो महिलाओं के मत के अधिकार के लिए भी सिफारिश की और इस दबाव ने ये जब अलग अलग तरह से जब दबाव सरकार पर पड़ने लगा तो इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य कर दिया दिस प्रेशर लीड द गवर्नमेंट टू अनाउंस अ कॉन्स्टिट्यूशन सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द वेस्टनाइजेशन एंड ट्रेडिशन नाउ डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेली लाइफ ऑफ जापानीज जापानस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मॉडर्न सोसाइटी कैन बी सीन आल्सो इन द चेंजेस इन एवरीडे लाइफ बच्चों जो जापान का आधुनिक समाज में जो परिवर्तन आए वो रोज़ाना की जिंदगी में आए हुए बदलावों में भी देखा जा सकता था जो उनमें चेंजेस आए उनकी सोसाइटी में उनके रहन सहन में जो चेंजेस आए वो अगर हम हम ये बात करें पैट्रियचल हाउस होल्ड की दी पैट्रोल हाउस होल्ड सिस्टम कंप्राइज मैनी जनरेशंस लिविंग टूगेदर अंडर अ कंट्रोल ऑफ अ हैड ऑफ दाउस बच्चों जो पैतृक परिवार व्यवस्था थी उसमें कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में एक साथ रहती थी ठीक है बट एज मोर पीपल वी कैम एफलेंट न्यू आइडियाज ऑफ फैमिली स्प्रेड लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध होने लगे तो परिवार के बारे में भी उनके नए नए विचार फैलने लगे द न्यू होम द न्यू होम वॉज दैट ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली वेयर हजबैंड एंड वाइफ लिव एज ब्रेडविनर एंड होम मेकर बच्चों नया घर नए घर का जो कॉन्सेप्ट था वो इमर्ज हुआ और नए घर का संबंध किससे था मूल परिवार से ही था जहां पति पत्नी साथ रहकर कमाते और घर बसाते थे दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ़ डोमेस्टिक डोमेस्टिसिटी इन टर्न जनरेटेड डिमांड्स फॉर न्यू टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स न्यू टाइप्स ऑफ फैमिली एंटरटेनमेंट्स एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ हाउसिंग बच्चों जो परिवार की जो जीवन था पारिवारिक जीवन की एक नई समझ ने ये जो परिवार में जो नए तरह के जो घरेलू उत्पाद थे है नए किस्म के जो परिवार के बीच में मनोरंजन के साधन थे और नए प्रकार के घर की जो मांग थी अब वो पैदा करना शुरू किया क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा था अब जब ये न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ तो अब घरों की जरूरतें बढ़ने लगी घरों की मांग पैदा हो गई तो 1920 के डिकेड में इस तरह की निर्माण कंपनियों ने शुरुआत कर दी ठीक है बेटा ये शुरू में टू हंड्रेड एन देने के बाद पहले डाउन पेमेंट कितना ले लिया जाता था टू हंड्रेड एन और बाद में लगातार दस साल के लिए ट्वेल्व एन प्रति माह के हिसाब से ईएमआई लगाई दी गई किस्त तो बना दी गई ट्वेल्व एन पर मंथ आपको देना है और उस पर लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराए जाने शुरू हो गए ये ट्वेल्व एन उस समय में लिया जाता था जब एक बैंक कर्मचारी की जो तनख्वाह होती थी मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होता था जिसकी उस समय तनख्वाह होती थी फोर्टी एन प्रतिमा ओके फोर्टी एन पर मंथ तो इस तरह से न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है और हाउसिंग अवेलेबिलिटी के लिए जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो अपनी वर्क स्टार्ट करती है और इस तरह से सस्ते दामों पर मकान मुहैया कराने के प्रोसेस जापान में चल पड़ती है नाउ डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दी ओवरकमिंग मॉडर्निटी आधुनिकता पर विजय के संबंध में बात की जाए हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला होता है और उसके बाद अमेरिका इसका रिस्पांस जापान पर एटॉमिक अटैक करके करता है बच्चों इन दिस पैराग्राफ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेट सेंटर नेशनलिज्म स्टेट सेंटर नेशनल्स फाउंड फुल एक्सप्रेशन इन द 1930s एंड 1940s फोर्टीज एज जापान लॉन्च वार्स टू एक्सटेंड इट्स एम्पायर इन चाइना एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया बच्चों ये जो स्टेट सेंटर नेशनलिज्म है सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद उसको 1930 से 40 के दौरान और भी ज्यादा बल मिला जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ दी जापान लॉन्च वार टू तो एक्सटेंड इट्स एम्पायर इन चाइना एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया अ वार दैट मर्ज इन टू द सेकेंड वर्ल्ड वार आफ्टर जापान अटैक्ट दू एस एट पर्ल हार्बर और यह लड़ाइया दूसरे विश्व युद्ध में जाकर के मिल गई जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया इस दौर में इस दौर में सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि हुई बेटा दिस पीरियड्स आर ग्रेटर ग्रेटर कंट्रोल्स ऑन सोसाइटी एंड द रिप्रेशन एंड इम्प्रीजनमेंट ऑफ डिस एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ पैट्रियाटिक सोसाइटीज मैनी ऑफ दैम वूमेन ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द वॉर एंड डिफरेंट ग्रुप्स दे आल्सो सपोर्टेड इन दॉर ओके बच्चों ये क्या हुआ कि ये सामाजिक नियंत्रण में बड़ी वृद्धि दिखाई देने लगी असहमति प्रकट करने वाले लोग जो थे उसमें उन पर जुल्म ढाए गए उन्हें जेल भेज दिया गया जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस युद्ध को उनको जेल भेज दिया गया और देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनाई गई जो युद्ध का समर्थन करती थी ओके पैट्रियटिक सोसाइटी को फॉर्म किया गया जो युद्ध का समर्थन करती थी और इन युद्ध, युद्धों का समर्थन करने वालों में कई महिलाओं के महिलाओं के कई संगठन भी थे जिन्होंने इस युद्ध का सपोर्ट किया था एंड इन्फ्लुएंशियल सिंपोजियम ऑफ ऑन ओवरकमिंग मॉडर्निटी इन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी थ्री डिबेटेड द डिलेम फेसिंग जापानाउ टू कम्बेट द वेस्ट वर्ल्ड बींग मॉडर्न इस दौ ये ये जो नाइनटीन फोर्टी थ्री में बेटा एक संगोष्ठी का आयोजन होता है आधुनिकता पर विजय ओवरकमिंग मॉडर्निटी इसमें जापान के सामने बड़ी दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उस दुविधा पर चर्चाएं भी होती है कि कैसे आधुनिक रहते हुए भी पश्चिम से कैसे विजय पाई जाए पश्चिमी देशों पर कैसे विजय पाई जाए और आधुनिकता भी बनी रहे बच्चों इसके संबंध में एक संगीतकार है मोरोई साबुरे उसने भी सवाल उठाया उसने संगीत को लेकर के सवाल उठाया कि वे पश्चिमी गीत संगीत को नकार नहीं रहे हैं वे ऐसी राह खोज रहे थे जहां जापानी संगीत को पश्चिमी वाद्य यंत्रों पर बजाया जाए है ना? जापान का जो संगीत है वो पश्चिमी या वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स पर किस तरह से चलाया जाए उसके बारे में सोच रहे थे एक फिलॉसफर थे बेटा निशितानी केजी उसने क्या कहा निशितानी के... केजी डिफाइंड मॉडर्न एज द यूनिटी ऑफ थ्री स्ट्रीम ऑफ वेस्टर्न थॉट द रिनाइजन एंड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड द राइज ऑफ नेचुरल साइंसेज जो दर्शन शास्त्री निशितानी केजी थे उन्होंने आधुनिकता को तीन पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता के आधार पर परिभाषित किया उन्होंने पुनर्जागरण को प्रोटेस्टेंट सुधार को और प्राकृतिक विज्ञानों के विकास का एक इन तीनों चीज़ों का मिलन को उन्होंने आधुनिकता की परिभाषा में पिरो दिया और ये जो निशितानी केजी थे निशितानी केजी ही आर्ग्यूड दैट जापांस मॉरल एनर्जी हैड हेल्प इट टू एस्केप कोलोनाइजेशन एंड इट वाज इट्स ड्यूटी टू एस्टेब्लिश अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अ ग्रेटर ईस्ट एशिया उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा ने उसे एक उपनिवेश बनने से बचा लिया और जापान का फर्ज अब बनता है कि एक नई विश्व एक नई विश्व पद्धति एक नई एक विशाल पूर्वी एशिया का निर्माण किया जाए ओके For this, a new vision that would integrate science and religion was necessary. इसके लिए एक नई सोच की जरूरत है जो विज्ञान और धर्म को आपस में जोड़ सके तो इस तरह से निशितानी केजी ने अपने इस आधुनिकता की आधुनिकता पर अपने विचार दिए थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो